हेलो गाइस, सो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि बाइक का जो क्लच लीवर है उसका फ्री प्ले क्या है और इस फ्री प्ले का क्या रोल है अपने बाइक में। अगर फ्री प्ले कम हो जाए एकदम से और फ्री प्ले अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और इस फ्री प्ले को किस तरीके से एडजस्ट करना है, तो वो वाला वीडियो अगर अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो वाला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बाइक में जो थ्रॉटल है, थ्रॉटल का भी एक फ्री प्ले होता है। तो ये जो फ्री प्ले है ये क्यों ज़रूरी है बाइक में, क्या रोल है इसका, और अगर फ्री प्ले बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या दिक्कत है, अगर फ्री प्ले एकदम से ना हो तो क्या दिक्कत है। एक्चुअली एक सब्सक्राइबर ने मेरे कमेंट किया था वीडियो पे कि थ्रॉटल का फ्री प्ले के बारे में वीडियो बनाओ, तो उसी के रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आशा करता हूँ ये जो वीडियो है सभी के लिए काम आएगा, तो वीडियो को आखिर तक देख लेना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बाइक से रिलेटेड हर तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को मैं सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश करूंगा, जितना हो सके सिंपली मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हमें बेसिक चीज़ें समझना है, ये है थ्रॉटल ग्रिप और ये है थ्रॉटल केबल। जब हम इस थ्रॉटल ग्रिप को ट्विस्ट करते हैं तो इस थ्रॉटल केबल में टेंशन पैदा होती है और ये जो थ्रॉटल केबल है ये नीचे जुड़ा हुआ है थ्रॉटल बॉडी से, जो कि बाइक के RPM को कंट्रोल करता है। जब जितना हम इसको ट्विस्ट करेंगे RPM उतना ही आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन ये जो थ्रॉटल है इसका एक मोशन पॉइंट होता है जो कि हमारा जो थ्रॉटल बॉडी है नीचे उसको एक्टिवेट नहीं करता। जब हम इसको हल्के से मूव करते हैं, आप देख सकते हो इस तरीके से मैं हल्के से इसको मूव कर रहा हूँ, तो ये जो है ये दो उंगलियों से मूव हो रहा है, लेकिन एक जगह पे जाके ये जो थ्रॉटल है वो अटक रहा है, क्योंकि उसके आगे जब हम थ्रॉटल को अगर घुमाना चाहते हैं तो उसके लिए और भी ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, जो कि हम लोग पूरे रिस्ट का इस्तेमाल करके इसको मूव कर सकते हैं। तो ये जो दो उंगलियों से जितना हम इसको घुमा पा रहे हैं ये है इस थ्रॉटल का फ्री प्ले, समझ में आ गया होगा। और ये जो फ्री प्ले है इस टाइम पे क्या होता है, जब हम इसको दो उंगलियों से मूव करते हैं तो सिर्फ ये जो केबल है यही बस इसमें ही बस थोड़ा सा टेंशन पैदा होता है, मतलब कि ये जो थ्रॉटल केबल है यही एक्टिवेट होता है, नीचे जो थ्रॉटल बॉडी इससे जुड़ा हुआ है वो नहीं खुलता है। और आइडल पोजिशन से जब हम इसको दो उंगलियों से ट्विस्ट करते हैं ये जहाँ पर लॉक हो जाता है वही पोजिशन से जो है थ्रॉटल जो केबल है थ्रॉटल बॉडी को एक्टिवेट करता है, मतलब कि इसके आगे जब हम इसको घुमाते हैं तो थ्रॉटल बॉडी जो है वो ओपन हो जाता है और हमारा RPM जो है वो बढ़ने लगता है। और आइडल पोजीशन से जहाँ पे जाके ये लॉक हो रहा है वही है इसका फ्री प्ले। तो इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि इस फ्री प्ले ट्विस्टिंग में सिर्फ ये केबल ही जो है वो खींचता है, थ्रॉटल बॉडी ओपन नहीं होता है, मतलब कि RPM कम ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो अभी बात करते हैं अगर इसका जो फ्री प्ले है वो ज़्यादा हो जाए तो क्या दिक्कत हो सकती है। थ्रॉटल का फ्री प्ले अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ओवरऑल जो बाइक राइडिंग एक्सपीरियंस है वो कम हो जाता है, वो डल हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आधे से ज़्यादा थ्रॉटल अगर यूं ही घूमने लगे तो क्या होगा, बाइक का जो फुल पोटेंशियल है, फुल पावर है थ्रॉटल का, वो उसको अचीव करने के लिए आपको फुल थ्रॉटल जो है एकदम नीचे तक घुमाने के लिए आपको रिस्ट को बहुत ज़्यादा ट्विस्ट करना पड़ेगा, और इससे क्या होगा रिस्ट में भी आपको पेन दिखने को मिलेगी और जो है जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल वो आप लोगों को बाइक राइडिंग में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बाइक राइडिंग का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो डिपेंड करता है कुछ कुछ पॉइंट्स पर जो डायरेक्टली हमारे बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में आता है और हम बाइक राइडिंग को एंजॉय कर पाते हैं। तो ये तो हो गया एक पहलू के थ्रॉटल का फ्री प्ले अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या दिक्कत हो सकती है। अभी बात करते हैं थ्रॉटल का फ्री प्ले एकदम से अगर कम हो जाए, एकदम से अगर नहीं रखा जाए थ्रॉटल का फ्री प्ले तो क्या होगा। तो जब थ्रॉटल का एकदम से फ्री प्ले ज़ीरो हो जाता है तो क्या होता है, ये जो केबल है इसमें हमेशा टेंशन बनी रहती है और नीचे जो थ्रॉटल बॉडी है वो हमेशा थोड़ा सा खुला रहता है और बाइक का जो RPM है वो आइडल से हमेशा थोड़ा ज़्यादा रहता है। जब भी आप बाइक को स्टार्ट करोगे RPM जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद भी RPM थोड़ा ज़्यादा रहेगा, और उसके वजह से क्या होगा, जब आप गियर चेंज करोगे थ्रॉटल को एकदम से जीरो करके भी गियर चेंज करोगे फिर भी जो है गियर जो है स्मूथली शिफ्ट नहीं हो पाएगा, गियर में से नॉइज़ वगैरह देखने को मिलेगा और क्या होगा बाइक झटका खाएगा। तो इसी वजह से जो है बाइक के थ्रॉटल में थोड़ा सा फ्री प्ले होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि फ्री प्ले कितना होना ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों अलग अलग बाइक में जो है कंपनी अलग अलग थ्रॉटल फ्री प्ले रिकमेंड करता है, ज़्यादातर जो है 3 mm से लेकर 5 mm तक फ्री प्ले होना ज़रूरी है थ्रॉटल में। और अगर आपके पास ये कोई मैनुअल वगैरह नहीं है तो आप इतना थ्रॉटल फ्री प्ले एडजस्ट करो कि बस हल्का सा थ्रॉटल फ्री प्ले रहना चाहिए, वही काफ़ी होता है। बहुत ज़्यादा फ्री प्ले
ना रहे। तो अभी मैं आप लोगों को थ्रॉटल का जो फ्री प्ले है वो कैसे एडजस्ट करते हैं इसके बारे में बताता हूँ। तो थ्रॉटल का जो फ्री प्ले है उसको एडजस्ट करने के पहले आप देख लीजिए कि थ्रॉटल में फ्री प्ले कितना है। तो थ्रॉटल जब आइडल पोजिशन पर है उसको दो उंगली से ट्विस्ट करके देख लीजिए कि कितना थ्रॉटल जो है वो मूव कर रहा है। अभी ये जो थ्रॉटल का फ्री प्ले है इसको आप अगर ज़्यादा है तो 80% तक आप किल कर सकते हो। यहाँ पे जो थ्रॉटल फ्री प्ले एडजस्टिंग नाट दिया जाता है उसके थ्रू, तो एक 10 mm की रेंज से आप इसको पहले ढीला कर दीजिए, ये जो नाट आप देख रहे हो। और इसको ढीला करने के बाद अगर फ्री प्ले कम करना है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, मतलब कि इस साइड में घुमाना है। और अगर फ्री प्ले ज़्यादा करना है तो इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमाना है। और इसको जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद आप नोटिस करोगे जो थ्रॉटल का फ्री प्ले है वो 60-70% तक कम हो जाएगा। अभी जो है आपको नीचे देखना है कि जो फ्री प्ले आपने एडजस्ट किया है वो सही है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा नीचे जो थ्रॉटल बॉडी है उसकी तरफ। तो जब आप इसको ट्विस्ट करोगे और नीचे थ्रॉटल बॉडी को देखोगे वहाँ पे जो है सिर्फ केबल जो है थोड़ा सा हल्का सा मूव करेगा, उसके बाद जो थ्रॉटल बॉडी है वो ओपन होना शुरू होगा। अगर डायरेक्टली जो है थ्रॉटल बॉडी ओपन होना शुरू हो जाती है तो इसका मतलब है कि ये जो एडजस्टमेंट ये बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आपको थोड़ा सा और फ्री प्ले रखना है। तो इसके लिए आपको जो नट है उसको फिर से क्लॉकवाइज थोड़ा सा घुमाना है और उसके बाद फिर से आप इस थ्रॉटल को घुमा के नीचे थ्रॉटल बॉडी की तरफ देखिए। अगर इसको ट्विस्ट करने पर जो है केबल थोड़ा सा मूव कर रहा है और केबल थोड़ा सा मूव करने के बाद थ्रॉटल बॉडी ओपन होता है तो ये जो सेटिंग है वो परफेक्टली सेट हो जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ थ्रॉटल फ्री प्ले के बारे में आप लोगों को जो जानकारी इस वीडियो में मिला वो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।